भारत, जी हाँ, इंडिया तैयार है 7.0 के लिए, 7.0 के लिए। जी हाँ, अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आप इस चीज़ को समझें। अगर आप वर्ल्ड कप देखते हैं तो आपको पता होगा कि इससे आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो वर्ल्ड कप में मैच खेला जा रहा है। इससे पहले भारत पाकिस्तान जो है वो 1992 से लेके 2015 तक जो है वो 6 बार भिड़ चुका है, और 6 बार जो है भारत की जीत हुई है। क्या गेंदबाज कोई भी हो, क्या भारत की तरफ से बल्लेबाज कोई भी हो, क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई भी हो, भारत का गेंदबाज कोई भी हो, एट द एंड जीत जो है वो भारत की ही होती है। और आज इस वक्त जो ये मैच चल रहा है, ये ओल्ड ट्रैफिक के ग्राउंड में मैच चल रहा है, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का ये मैच चल रहा है, इसमें भारत ने जड़ दिए हैं 336 रन। जी हाँ, भारत ने 336 रन जड़ दिए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक टेढ़ी खीर है। पाकिस्तान इस लक्ष्य को पा सके, इस लक्ष्य को जो है पीछा कर सके, ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में जो है वो 300 से ज़्यादा का स्कोर जो है वो चेस नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत ने जो टॉस आज हारा था और पाकिस्तान टॉस जीता था, एक पॉजिटिव थिंग पाकिस्तान के साथ हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जो है वो जब उसका वक्त ख़राब चल रहा हो, उसके ग्रह खराब चल रहे हों, तो वो कुछ उल्टे ही फैसले लेता है। तो सरफराज ने कुछ ऐसे ही उल्टा फैसला लिया, और पहले जो है वो गेंदबाजी का फैसला लिया। सरफराज समझ रहे थे कि बॉल जो होगी वो स्विंग करेगा, क्योंकि 3 दिन से जो है ओल्ड ट्रैफर्ड में बारिश पड़ रही थी, तो उनको लग रहा था कि जो ग्राउंड में जो उनकी बॉलिंग होगी, जो उनकी फास्ट बॉलर का पैनापन है, वो इंडिया के शुरुआती विकेट गिरेंगे और शुरुआती छटके उनके जो गेंदबाज हैं वो आमिर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि आज शिखर धवन नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद भी है रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जो है शिखर धवन की कोई कमी मौजूद नहीं होने दी। 100 रन की पार्टनरशिप भी करी और उनका कोई विकेट नहीं गिरा। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने एक बार फिर जो है वो 140 रन बनाए, वो बिल्कुल करीब थे 200 रन के। राहुल जो थे वो 57 रन बना के आउट हुए, और कप्तान विराट कोहली ने जो है 77 रन ठोक दिए। तो एट द एंड स्कोर 336 है, 337 पाकिस्तान को चेस करना है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है 337 रन बना पाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करें और इंतज़ार करें ये भारत की 7वीं जीत का। आप बने रहिए द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।